कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ मैंने डेटा बनाया है यहाँ पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है आपके होम टैब के अंदर, यहाँ पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, जिसमें आप पहला ऑप्शन शुरू करते हैं हाईलाइट सेल रूल्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड रूल होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? जो फॉर्मेटिंग आपकी किसी कंडीशन के ऊपर अप्लाई होती है उसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो गया, बॉर्डर्स हो गए, आपके सेल कलर हो गया, फॉन्ट कलर हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग हम कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के पहले आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है। मैंने डेटा सिलेक्ट किया, देन मैं जा रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। और पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में यहाँ पे मैं जो भी नंबर देता हूँ उससे बड़ा जो डेटा होता है, मतलब 50 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ वैल्यू दूंगा मैं, और यहाँ पे मैं दूंगा कि फॉर्मेटिंग कौन सी अप्लाई होगी। जैसे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, देन येलो फिल है, ग्रीन फिल है, लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर, बॉर्डर लाल हो गया। और अगर आप अपने खुद से कोई फॉर्मेटिंग चाहते हैं तो कस्टम फॉर्मेट में जाके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे येलो फिल सिलेक्ट करना है मुझे, येलो हो जाएगा। इस तरह से मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ। तो 50 से जितनी भी बड़ी वैल्यू है वो येलो हो गई। ठीक है जी, जब मैंने एक बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी, दूसरी कंडीशन अप्लाई करने से पहले मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले वाली कंडीशन हटाने ही है कि नहीं। ठीक है जी, तो डेटा मैंने सिलेक्ट कर दिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाने के लिए आपको इसमें जाना पड़ेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, देन क्लियर रूल में, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। पुरानी वाली हट गई, नई लगाते हैं हम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल रूल्स, लेस देन। लेस देन में क्या है, जो वैल्यू देंगे उससे छोटी वैल्यू जो है वो हाईलाइट होगी। यानी यहाँ 50 लिखा हुआ है, 50 से नीचे की सारी वैल्यूज आपकी हाईलाइट हो गई है। ठीक है जी, उसके बाद है आपके पास बिटवीन। बिटवीन में आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ 10 से 20 की वैल्यू। तो 10 से नजर आ रही है सर, एक बार फिर दिखा देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मेरे को पहले डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, हाईलाइट सेल रूल्स। पहला रूल है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे सकता हूँ अपने कि किससे बड़ी है। जैसे मैंने दे दिया 50, तो 50 से बड़ी सारी वैल्यू हाईलाइटेड हो गई। जो आप फॉर्मेटिंग दे सकते हैं वो यहाँ से दे सकते हैं अलग अलग, येलो फिल, ग्रीन फिल, इसी तरह से दो चार और हैं। देन अगर आप अपनी तरफ से कोई फॉर्मेटिंग देना चाहें तो कस्टम फॉर्मेट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप नंबर फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर्स भी और कलर भी। तो मैं येलो कलर चूज करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये मेरा टेक्स्ट जो है येलो में आ गया। जो भी कंडीशन 50 से ऊपर की जितनी वैल्यू है वो येलो कलर में हाईलाइटेड हो गई। ठीक है, तो मेरी कंडीशन लग चुकी है। जब भी मेरी ये मान लीजिए अगर वैल्यू चेंज भी होती है, यहाँ पे अगर कोई भी 50 से ऊपर जाती है तो वो हाईलाइट हो जाए। दूसरी चीज, अब मुझे फॉर्मेटिंग हटानी है इस पे से, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, क्लियर रूल में जाऊंगा, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, तो ये रूल क्लियर हो जाएगा। दूसरी देखते हैं, दूसरी है लेस देन। मैंने कोई वैल्यू दी, मैंने कहा 40 से नीचे की सारी वैल्यू हाईलाइट हो जाए, तो 40 से नीचे की सारी वैल्यू हाईलाइट हो गई।
ठीक है जी। तीसरा है इसमें बिटवीन, बिटवीन में मैं दे देता हूं मान लीजिए कि दस से लेकर 20 के बीच की वैल्यू हाईलाइट हो जाए, तो ये 10 से 20 के भी वैल्यू हाईलाइट हो गई बीच की। तीसरा है इक्वल टू, अभी जो हमने ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन यूज किया वो हम कर सकते हैं नंबर्स के लिए, डेट के लिए। इक्वल टू जो है आप टेक्स्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो जैसे मैं कोई वैल्यू देता हूँ कि कोई भी वैल्यू इसके इक्वल टू हो तो यहाँ हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है जी। अगर टेक्स्ट में चाहते हैं देना तो टेक्स्ट में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने सिलेक्शन किया एंड इक्वल टू में आया, मैंने कहा कि जो इसके बराबर हो वो हाईलाइट हो जाए, कोई भी टेक्स्ट दिया अगर इसके इक्वल टू होगा तो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है जी। तीसरी है टेक्स्ट दैट कंटेंस, टेक्स्ट दैट कंटेंस में हम यूज कर सकते हैं पार्शियल, कोई भी चीज पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम कहते हैं कि जहां पी हो वो हाईलाइट हो जाए या जहां पे ए हो वो हाईलाइट हो जाए, तो इस तरह से पार्शियल टेक्स्ट दे सकते हैं, डबल ई हो वो हाईलाइट हो, तो बीच में कहीं भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। देन है उसके बाद डेट अकरिंग, डेट अकरिंग का जो ऑप्शन है हमारा डेट्स के लिए, डेट्स को मैंने सिलेक्ट किया, देन मैंने कहा हाईलाइट सेल रूल्स में गया डेट अकरिंग, डेट अकरिंग में मैं, मेरे पास कुछ रूल्स हैं यस्टरडे टुडे टुमारो इन द लास्ट 7 डेज, तो यस्टरडे का चूज करता हूँ, यानी कि जो बीता हुआ कल है वो था 31 जुलाई, तो देखेंगे 31 जुलाई जो है वो हाईलाइट हो गया होगा, 31 जुलाई हाईलाइट हुआ पड़ा है, ठीक है जी। कल जब आप खोलेंगे तो 1 अगस्त का हाईलाइट हो जाएगा। देन हमारे पास डेट अकरिंग में ही देखेंगे और भी ऑप्शन है, टुडे का आज की डेट हाईलाइट हो जाएगी कहीं अगर आज की डेट आ रही होगी इसमें तो वो भी हाईलाइट हो जाएगी। अब इसमें हुआ क्या है कि हमारे यस्टरडे वाला भी रूल लग गया, टुडे वाला भी रूल लग गया, तो आज की डेट भी हाईलाइटेड है और पिछली वाली डेट भी हाईलाइटेड है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि मान लीजिए हमें पुरानी वाली फॉर्मेटिंग हटानी है, तो अब क्लियर से हम करेंगे तो सारी गायब हो जाएंगी, तो हमारे पास ऑप्शन है मैनेज रूल्स का, मैनेज रूल्स पर जाएंगे तो ये यस्टरडे वाला ये लगा हुआ ये नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से डिलीट रूल कर दिया मैंने सेलेक्ट करके, टुडे का मैंने दिखाया टुडे को भी हटा देते हैं हम, अप्लाई ओके। नेक्स्ट इसी में है डेट अकरिंग में इन द लास्ट 7 डेज, तो जो पिछले 7 दिन बीते हैं उसमें से कोई भी अगर होगा तो हाईलाइट हो जाएगा, तो ये डेट्स हैं जो आपकी पिछले 7 दिनों के अंदर थी, ठीक है जी। देन आपके पास है इसी तरह से इसमें डेट अकरिंग में हमारे लास्ट वीक दिस वीक नेक्स्ट वीक लास्ट मंथ दिस मंथ नेक्स्ट मंथ, इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन हमारे पास है डुप्लीकेट, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ डेटा को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगे, ओके करता हूँ, तो डुप्लीकेट वाली वैल्यू हाईलाइटेड दिखा रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जितने भी होंगे। डुप्लीकेट में क्या होता है कि दो ऑप्शन होते हैं, डुप्लीकेट और दूसरा यूनिक, तो यूनिक वैल्यू भी अगर होगी तो हाईलाइट हो जाएगी, तो फिलहाल इसमें कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, तो देख रहे हैं कि इस टाइम फिल्टर भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो डुप्लीकेट यूनिक, देन आपके टॉप एंड बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स चूज करेंगे, टॉप 10 का मतलब कि खाली 10 ही आइटम नहीं, आप 11 चूज करना चाहे 11 कर सकते हैं, 12 करना चाहे 12, कितने भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि टॉप 10 वैल्यूज, तो जो हाईएस्ट वाली 10 वैल्यूज हैं वो हाईलाइट हो गई होंगी,
अब देखेंगे 10 वैल्यूज जो है हाईएस्ट वाली वो हाईलाइट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास टॉप 10%। 10% में ऐसे 20% 30% कर सकते हैं। तो जितना आपका डाटा होगा उसका 10%, मतलब 700 का रिकॉर्ड है तो 70 वैल्यूज आपकी अप्रोक्स हाईलाइट हो चुके होंगे। ठीक है, तो पहली वाली मैं हटा देता हूँ, पहली वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर मुझे एक साथ सारी उड़ानी है तो क्लियर रूल्स में क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। ठीक है जी, टॉप एंड बॉटम रूम्स पे नेक्स्ट है बॉटम 10 आइटम्स। तो जो सबसे छोटी वाली वैल्यू वाले 10 आइटम्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे, ये हाईलाइट हो गए। देन हमारे पास ब�ottom 10% परसेंटेज का भी वैसा ही इशू है कि जितने भी 10% में, मतलब जैसे 700 वैल्यू है तो 70 रिकॉर्ड करीब आपके लोएस्ट वैल्यू के वो हाईलाइट हो जाएंगे। देन इसमें है अबव एवरेज, एवरेज से जो अबव वैल्यूज होंगी पूरे का एवरेज निकाल लेगा और एवरेज से जो बड़ी वैल्यू होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। इसी तरह से आपके पास बिलो एवरेज है तो एवरेज से जो छोटी वैल्यू होंगी वो हाईलाइट हो जाएगी। देन आपके पास है डेटा बार्स। डेटा बार्स आपके कॉलम चार्ट की तरह होते हैं, बार चार्ट की तरह होते हैं जो आपके विद इन सेल पे आपको वैल्यूज दिखाते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शन है। सपोज हमने एक डेटा बार चूज कर लिया, ये जैसे आपकी वैल्यू मान लीजिए 10 है तो ये सबसे कम में दिखा रहा है, 90 है तो सबसे हाईएस्ट में दिखाएगा, 100 कर देंगे और फुल में दिखाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग सारा चार्ट आपके नीचे वाले भी बन जाएंगे। मान लीजिए यहाँ ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो बाकी सारे चार्ट छोटे हो जाएंगे। ठीक है जी, तो वैल्यू के अगेंस्ट आपकी डेटा बार्स दिखाता है। इसी तरह से हमारे पास है कलर स्केल। कलर स्केल में क्या होता है, कोई जैसे इसमें ये दिखा रहा है ग्रीन येलो रेड कलर स्केल, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसमें ये दिखा रहा है रेड, देन ये बढ़ती जा रही है तो कलर हल्का होता जा रहा है, 40 50 पे ये येलो में आ गया, देन आगे जब बढ़ रही है तो ग्रीन की तरफ बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू ये कलर रेड ग्रीन और येलो में हल्का होता जा रहा है। क्लियर कर देते हैं। कलर स्केल के बाद है हमारे पास आइकन सेट। मान लीजिए आपके पास कुछ आइकन्स है, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मान लीजिए सेल्स हुई है तो उसमें आपने कहा कि एक बहुत ही अच्छी है, एक एवरेज है और एक एकदम बेकार है, तो मैं ये आइकन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे अच्छी के लिए राइट आ रहा है मेरे पास, जो एवरेज है उसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिखा रहा है और जो बेकार है वो उसमें क्रॉस दिखा रहा है। ठीक है जी, इसका फायदा ये होता है कि आपका ग्राफिकल ऑप्शन यूज करने से कि आपका डेटा जो है न्यूमेरिक्स में होता है, जब यहाँ छोटी वैल्यू है तो आप पहचान सकते हैं कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। ज़्यादा जैसे वैल्यू लाख में है, 10 लाख में है, करोड़ में है, तो फिगर्स ज़्यादा होते हैं तो पहचानने में मुश्किल होती है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। तो उस केस में आपका ये मदद करता है कि आप तीन साइन के अकॉर्डिंग समझ जाते हैं कि डेटा कैसा है, अच्छा गया बुरा गया जो भी। आइकन सेट में आपके डिफरेंट डिफरेंट आइकन होते हैं, आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जिस तरह मेरे पास अगर तीन कंडीशन है तो मैं तीन के लिए 3 आइकन्स यूज करूंगा, 4 है तो 4 आइकन यूज करूंगा, 5 है तो 5 यूज करूंगा। तो आइकन मैं अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब देखते हैं कंडीशन बनेगी कैसे। ये तो हमारे थे प्री डिफाइंड रूल,
मान लीजिए मैंने अभी आइकॉन सेट लगा दिया और मुझे वैल्यू सेट करनी है खुद से अपने आप से। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है उसको देखने के लिए मैं जाऊंगा मैनेज रूल में। यहाँ पे ये है आइकॉन सेट, इसको आप जब एडिट रूल में जाएंगे तो आपके अदर ऑप्शन खुलेंगे। अब इसमें क्या रूल लगा हुआ है कि जब आपकी वैल्यू 67% से इक्वल टू है या ग्रेटर देन है तो राइट का साइन आए, लेस देन 67% टू 33% ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिखा रहा है, और लेस देन 33% पे ये क्रॉस का साइन दिखा रहा है। मान लीजिए आपको चाहिए वैल्यू परसेंटेज में नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट वैल्यू में चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ नंबर परसेंट वगैरह के। तो मैं दोनों को नंबर में सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ दे देता हूँ कि मेरा पहला क्राइटेरिया है कि 70 से ऊपर जब सेल हो तो राइट का साइन दिखाए। ये यहाँ से मैं लॉजिकल ऑपरेटर भी बदल सकता हूँ चाहूँ तो 70 से बड़ी अगर सेल हो, यानी 71 से 90 तक ये राइट का साइन दिखाएगा, देन 71 से 51 तक ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिखाएगा, और जो उससे छोटी होगी उसके लिए क्रॉस दिखाएगा। अप्लाई करूंगा तो मेरी कंडीशन चेंज हो गई उसके अकॉर्डिंग जैसा मैंने बताया था। ठीक है जी, रूल्स को मैं क्लियर कर लेता हूं। देन आपके पास जो भी हमने ऊपर ऑप्शंस के थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी, बॉटम के थ्रू, डेटा बास के थ्रू, कलर स्केल के थ्रू, आइकन सेट के थ्रू, हम यहां से न्यू रूल करके भी जा सकते हैं लगाने के लिए। ये आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे आप मैनुअल सारी चीजें लगाएंगे और आप मैनेज रूल में करके न्यू रूल में जा सकते हैं, सेम विंडो खुलेगी। तो पहला है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, वैल्यूज के बेस पे फॉर्मेट स्टाइल क्या होना चाहिए। एक कलर स्केल है, 3 कलर स्केल, डेटा बार है, आइकॉन सेट है, ठीक है, जो भी लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ 2 कलर स्केल, तो उसमें क्या है कि मैं यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ कि जो वैल्यू है पहले ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक उठा रहा है लोएस्ट वैल्यू में, ऑटोमेटिक लोएस्ट वैल्यू उठाएगा। ठीक है जी, नंबर में क्या है, मैं इसे नंबर दे देता हूँ कि 10 से लेकर हाईएस्ट वैल्यू में भी नंबर देता हूँ 90। हाथ से दे सकता हूँ कुछ भी बीच का चाहिए बीच का। तो स्टार्टिंग कलर क्या होगा, ये ऑरेंज होगा, देन ये येलो तक जाएगा, अप्लाई कर दूंगा तो इसमें भी एक तरह का कलर स्केल बन गया। आप देख रहे हैं ये 2 कलर स्केल है। यहाँ पे मैं डेटा बार लगाना चाहूँ, लोएस्ट वैल्यू बाय हाईएस्ट वैल्यू। कई बार क्या होता है, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए खाली बार चाहिए, ठीक है, इस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, शो बार ओनली, ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे तो बार दिखाएगा, वैल्यू नहीं दिखाएगा। एडिट रूल, ये ऑप्शन ऑफ कर दिया मैंने, ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, आप वैल्यू भी दिखा रहा है, तो डिलीट कर देता हूँ, न्यू रूल पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आप कलर स्केल चूज कर सकते हैं, डेटा बार यूज कर सकते हैं, आइकॉन सेट यूज कर सकते हैं। आइकॉन सेट में और भी ऑप्शन है, आइकॉन स्टाइल कौन से चाहिए आपको, यहाँ पे 3 ट्रैफिक लाइट, 3 साइंस, 4 सिंबल, 5, तो ये आपके पास प्री डिफाइंड ऑप्शन पहले से ही, 4 क्वार्टर्स, इस तरह से इनकी कंडीशन आप चूज कर सकते हैं।
जैसे ये साइन है, आप इनका आइकॉन सेट रिवर्स ऑर्डर में चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, आइकॉन सेट रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। खाली आइकॉन दिखाना चाहते हैं तो शो आइकॉन ओनली का ऑप्शन है, तो सिर्फ आइकॉन दिखाएगा, वैल्यू नहीं दिखाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है जी, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंस। अब दैट कंटेंस में वहां प्री डिफाइंड ऑप्शन थे आपके पास बने बनाए थे, यहाँ पे आप खुद बना सकते हैं फॉर्मेट ओनली सेल विद सेल वैल्यू के बेस पे। बिटवीन में जैसे 10 से 90 डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए, फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं जो भी वो सेट कर दीजिए। स्पेसिफिक टेक्स्ट में जैसे मैंने दिखाया था आपको डबल ई डाल के पी डाल के कंटेनिंग का ऑप्शन है इधर, नॉट कंटेनिंग जिसमें ये ना हो, बिगनिंग विद मैं करता हूँ कि एस से स्टार्ट हो रहा हो, उनको क्या कर दे येलो कर दे। तो मैंने अभी नंबर सिलेक्ट कर रखे हैं, मैं इसमें टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन जाता हूँ न्यू रूल, स्पेसिफिक टेक्स्ट चूज किया मैंने और बिगनिंग विद मैंने कहा एस से जितने हो रहे हैं उनको येलो कर दे। तो ऐसे स्टार्ट होने वाले येलो कर दिए इसने, देन मैं इसमें चूज कर सकता हूँ एंडिंग विद कि जो पी से एंड हो रहे हो, पी से जो भी एंड हो रहे होंगे उनको हाईलाइट कर देगा। देन इसके पास है, इसमें आपके और भी ऑप्शन है, डेट अकरिंग वाला सेम वैसे ही यस्टरडे टुडे वो सब दिखा रहा है, ब्लैंक्स जितनी खाली सेल्स हो, अगर बीच में कोई भी खाली सेल होगी तो वो फॉर्मेट जैसा कराना चाहे वैसा दिखा देगा, नो ब्लैंक्स जो ब्लैंक नहीं है मतलब उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको फॉर्मेट कराना है तो आप उसमें फॉर्मेट सेट करके कर सकते हैं। एरर्स आपकी आती हैं जैसे VLookup में हैश एन ए की एरर आ गई, कैसी किस तरह की एरर होती है हमारी, ये एरर आ गई, इस तरह की एरर जो आती हैं इनको हाईलाइट कराना चाहते हैं तो एरर्स चूज कर सकते हैं उसमें। देन आपके पास क्या है इसमें, फॉर्मेट ओनली टॉप एंड बॉटम रैंक वैल्यू, तो टॉप और बॉटम की मैंने दिखाई थी तो 10, 20 जो भी करना है वहां कर सकते हैं, अगर परसेंट 10% या 20% चाहिए तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ चेक करेंगे तो परसेंटेज मिलेगा। देन आपके पास अबव एवरेज बिलो एवरेज कुछ इक्वल और अबव एवरेज, इक्वल और बिलो एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैटिकल फंक्शन है कुछ, ठीक है जी, तो फॉर्मेट सेट कर सकते, फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज, तो डुप्लीकेट वैल्यूज करवाना चाहते हैं, डुप्लीकेट और यूनिक का हमने कॉन्सेप्ट देखा था वो था। देन आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर इन सब में आप अपनी कंडीशन नहीं बना पा रहे कुछ डिफरेंट ही करना चाह रहे हैं तो यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ठीक है जी, तो आप फॉर्मूला से पता लगा सकते हैं कौन सी सेल फॉर्मेट करनी, जो भी फॉर्मूला डालेंगे वो ट्रू रिटर्न करना चाहिए। ट्रू कब रिटर्न करता है, जैसे आपने इफ का फॉर्मूला हम करते हैं तो इसमें एक लॉजिकल टेस्ट होता है कि क्या ये इक्वल टू दिस वन, तो ये जो है कैलकुलेशन जो है ये ट्रू फॉल्स में रिटर्न करता है, इसके लिए मुझे इफ की जरूरत नहीं, तो लॉजिकल टेस्ट देना होता है क्या ये इक्वल टू इसके, तो इसका रिजल्ट हमेशा हमें ट्रू फॉल्स में मिलता है। जब मैं फॉर्मूला समझाऊंगा तो इसको डिटेल में समझाऊंगा, अभी मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं कि कैसे करते हैं इसको, तो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ट्रू रिटर्न करने पे जो फॉर्मेट सेट करेंगे वो वहां फॉर्मेट हो जाएगा। सपोज मेरे पास जो सेल्स है इसको कुछ और दिन की ले लेते हैं,
इसको मैं बढ़ा देता हूँ 10 90। तो ये मेरे पास डेटा हो गया। सात दिन की सेल्स हो गई मेरी। अब मेरे को हाईलाइट करानी है पूरी रो। जिसका टोटल 500 से ऊपर है या कहते हैं 400 से ऊपर है, वो पूरी रो मुझे हाईलाइट करानी है। ठीक है जी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल जानने के लिए मैं सम यूज कर सकता हूँ, तो मेरे को सम मिल गया। अब मुझे क्या करना है, एक ऑपरेटर लगाना है कि ग्रेटर देन 500 400। ठीक है जी, तो ये मुझे इस लॉजिकल ऑपरेटर जब मैंने यूज किया तो ये मुझे ट्रू फॉल्स में रिजल्ट दे देगा। ठीक है, अब फॉर्मूला में मुझे लॉकिंग बहुत जरूरी है। अब ये फॉर्मूला मैं किसी सेल में नहीं लगाने वाला, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाना वाला हूँ। तो यानी कि ये जो फॉर्मूला बनाया है मैंने, उसको पहले मैं यहाँ अप्लाई करूंगा सिंगल सेल पे, देन इसको फॉर्मेट पॉइंटर से पूरे पे ड्रैग कर दूंगा, पूरे पे फॉर्मेट फैला दूंगा, क्योंकि फॉर्मेट पॉइंटर फॉर्मेटिंग पेस्ट करता है। और इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी फॉर्मेटिंग है, तो फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं। तो इसमें मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा, इधर भी लगाऊंगा, तो जब मैं इसको ड्रैग करूंगा इधर उधर, तो क्या होगा, इसके रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगे। तो क्योंकि जैसे अभी ये मेरा ये रेफरेंस दे रहा है 7 दिन की सेल है, नेक्स्ट में अगर मैं चेक करता हूँ तो ये आगे आगे ड्रैग होता जा रहा है। तो मुझे एक लॉकिंग करना जरूरी है, यानी लॉकिंग कैसे करते हैं, हम डॉलर से करते हैं, फ्रीज कर देते हैं। तो मुझे इसमें क्या फ्रीज करना है, मैं चाहता हूँ नीचे जाए तो रो तो बढ़े, मतलब ये 2 का 3 चेंज हो जाए, ये तो हो, पर कॉलम चेंज ना हो, सी का डी ना बने। यहाँ पे सी का डी बन रहा था इधर, और जब हम नीचे बढ़ेंगे तो 2 का 3 बनेगा, सब बनेगा। तो मुझे सिर्फ कॉलम फ्रीज करने हैं। मैं क्या करूंगा, सी के आगे एक डॉलर लगा दूंगा। आप ये लगा लीजिए, जिसको आप बढ़ने से रोकना चाहते हैं उसके आगे डॉलर लगा दीजिए। ठीक है जी, तो ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया। मैंने इस फॉर्मूले को कॉपी करना है और अपनी सेल पे आ जाना है जहां मैंने लगाना है, या मान लीजिए यहाँ लगाना है या यहाँ लगाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डाल दिया। अब फॉर्मेट में मैंने सेट कर दिया येलो, ओके। तो 400 से बड़ा था इसलिए फॉर्मेट हो गया। अब मैंने फॉर्मेट पेंटर से उठाना है और नीचे तक इसको फॉर्मेट कर देना है मेरे डेटा। ठीक है जी, तो जहां वैल्यू 400 से अबव थी वो हाईलाइट हो गया। अगर इस फॉर्मूला को ड्रैग करें नीचे, तो जहां जहां ट्रू है वहां वहां ये फॉर्मेट हो गया। तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं मुझे। अगर ये वैल्यू कम होती है तो अपने आप ये हाईलाइट नहीं करेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसमें फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज का कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो चैप्टर है वो इतना ही है। प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। बाकी इसमें फॉर्मूले का एडवांस यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है जी, ओके सर।